press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Crest Cami. तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने लेसन 6 वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, सीबीएसई का. और वुमेन इन स्पोर्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है. और फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्पेशल कंसिडरेशन, मेनार्चे, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और फीमेल एथलीट राइट, यानी कि एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एमोनोरिया. और इसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे वुमेन एथलीट के, फिर सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के और आइडियोलॉजी. तो एक एक करके सब चीज़ों को समझते हैं. स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, क्यों स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, क्या होता है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी जो है स्ट्रॉन्गली एविडेंट है फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में. इवन 1952 तक तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ था वुमेन का, मतलब कि औरतों ने पार्टिसिपेट या लड़कियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था ओलंपिक्स में 1952 तक. लेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आज के टाइम पे भी मेल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में. सोशल एनवायरनमेंट इनहिबिट करता है वुमेन को सोशल पार्टिसिपेशन से, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से, यानी कि जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करता कि वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें. लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा हम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीज़ों से उनको प्रमोट कर रहे हैं, और इवन पेरेंट्स से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. तो आजकल स्पोर्ट्स वुमेन काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं एक रोल मॉडल्स की तरह. कुछ एक दो अगर भी वुमेन करती हैं कुछ बड़े लेवल पे, गोल्ड लेके आती हैं, कुछ फर्स्ट पोजिशन लेती हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो उसी तरीके से स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन का इंडिया के अंदर, जो मैरी लीला रो थी एथलीट थी, ये फर्स्ट वुमेन थी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के हेलसिंकी ओलंपिक्स में 1952 में. और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली पहली वुमेन थी हेलसिंकी ओलंपिक्स में 1952 में कार्नम मलेश्वरी. फर्स्ट इंडियन वुमेन थी एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिडनी ओलंपिक 2000 में. और साइना नेहवाल एम सी मैरी कॉम वन ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन और बॉक्सिंग में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी कि साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में जीता था और मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता था लंदन ओलंपिक्स 2012 में. रीजंस क्या होती हैं लेस पार्टिसिपेशन के वुमेन में स्पोर्ट्स में? एक तो एजुकेशन की कमी होती है और अवेयरनेस की कमी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस तरीके की चीज़ें भी वो कर सकते हैं पार्टिसिपेट. ट्रेडिशनल आउटलुक और व्यूज़ होते हैं, यानी कि जो उनके घर के जो बने हुए होते हैं पहले से ही, जो एनवायरनमेंट में बने हुए होते हैं, कुछ मिस उनके उनके बिलीव के थ्रू उनको अलाउ नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, नहीं करते घर वाले लोग. तो मेल डोमिनेटेड कल्चर है स्पोर्ट्स का, यानी कि ज़्यादातर आदमी लोग हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, या लड़के हैं, तो इस वजह से वुमेन नहीं जाती हैं या उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती. लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज अ रोल मॉडल, और सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि स्पोर्ट्स फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन कोई रोल मॉडल की तरह नहीं थी, उसकी कमी थी. तो जब इतनी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी, तो अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में सुधार हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इसके अलावा लैक ऑफ फीमेल कोचेज भी होते हैं और होते थे. लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी होती है, सुरक्षा का ध्यान नहीं होता इतना. और इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड लेस मीडिया कवरेज, जो वुमेन के जो आपके कोई भी मैचेस होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उनको लोग कम देखते हैं और मीडिया भी उतना कवरेज नहीं देती है. जैसे कि अब रिसेंटली इंडियन वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इंडियन टीम सेमीफाइनल तक भी पहुँची और इससे मतलब सॉरी फाइनल तक भी पहुँची, और इससे एक बढ़िया वो रहा कि मतलब इंडिया एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकती है, इस दुनिया भर को शो किया. और क्या होता है, मतलब इंडिया स्पेशली वुमेन शो कर सकते हैं, ये मेन चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हम वुमेन का भी पढ़ रहे हैं, तो वुमेन ने शो किया. इवन कई सारे और भी चीज़ों में वुमेन आगे बढ़ती दिख रही हैं और कॉम्पिटिशन में जीतते दिख रहे हैं. एक और कमी होती है लैक ऑफ एक्सेस टू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो वुमेन होती हैं उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की एक्सेस नहीं होती है. बेसिकली अगर हम देखें तो इनमें से कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैन और वुमेन, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही नहीं हो, दोनों के पास ही कमी होती है इन चीज़ों की. और काफ़ी चीज़ों की कमी इनमें लड़कों को तो पूरी हो भी जाती है, लेकिन लड़कियों की नहीं हो पाती है, इस वजह से वुमेन कम पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में.
इसके अलावा स्पेशल कंसिडरेशन करते हैं मेनार्चे, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और प्रेगनेंसी मेनोपॉज में। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, कुछ खास तरीके की प्रॉब्लम्स होती है जो वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन फेस करती हैं। एक होता है मेनार्चे, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है एक गर्ल का, जो जनरली होता है एज पे 12 to 14 ईयर्स की, ठीक है, 12 से 14 साल पे पहली बार जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस होता है, ज़्यादातर जो फीमेल्स होंगी, अब तक आपने अगर साइंस में ही पढ़ा होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता चल चुका होगा, और कईयों के साथ में आपके साथ हो भी रहा होगा फीमेल में, मैन के लिए भी आपको पता ही होगा, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा ही होगा अभी तक। तो ये पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है गर्ल का, ये जनरली होता है 12 टू 14 ईयर्स की एज के अराउंड। इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, हेल्थ रिस्क होता है यंग गर्ल्स को, अगर ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं इंटेंसिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सेहत पे खतरा होता है किसके, यंग गर्ल्स को, और इससे क्या होता है एबनॉर्मल मेनार्चिया होता है, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पीरियड होता है गर्ल का वो सही तरीके से नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये एक डिसऑर्डर होता है और इररेगुलरिटी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हर महीने ये मेंस्ट्रुएशन होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और उसमें जो डिसऑर्डर या इररेगुलरिटी आती है वो उसे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, कई बार क्या होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड होता ही नहीं है, महीना निकल जाता है, होता ही नहीं है, नेक्स्ट मंथ होता है या होता ही नहीं है, वो भी कुछ और वो अलग बीमारी वो आगे डिस्कस करेंगे। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर पेट पे क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड्स होने लगेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड आपका रिलीज हो रहा है इसमें, या बहुत टाइम तक पीरियड चल रहे हैं, इररेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में, ये सारी प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के अंदर आती है। एक मिसकंसेप्शन है कि जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, इससे क्या होता है फिजियोलॉजिकली हार्मफुल होता है, यानी कि इससे आपके बॉडी को खतरा हो सकता है। रिसर्च स्टडीज ने इंडिकेट किया है इससे कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होता स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे, किसी भी फेसिस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यानी कि आप इजीली कोई भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते वक्त में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी। इसके अलावा प्रेगनेंसी, इट इज सीन एज ब्रेक इन स्पोर्ट्स करियर ऑफ अ वुमेन, ठीक है, कोई भी वुमेन के लाइफ में, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, अगर प्रेगनेंसी आती है तो उसके करियर में थोड़ा ब्रेक लगता है, यानी कि उसको रिलैक्स की जरूरत पड़ेगी। इवन स्पोर्ट्स में अगर कोई है तो उसके करियर में ब्रेक ही लगेगा, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी थी वो अब नहीं कर पाएगी, तो उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। मेनोपॉज होता है, ये परमानेंट स्टॉपेज होता है प्राइमरी फंक्शन का ओवरीज का, ये एज के बाद होता है एक, ठीक है, और कोई प्रोडक्शन नहीं होती एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन्स की इसके बाद, ठीक है, और फिर उसके बाद जो ओवरीज होती है, जो आपका रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है, यानी कि आप रिप्रोडक्शन करने के सक्षम नहीं रहते हैं, ठीक है। तो फीमेल एथलीट राइड, यानी कि एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एमेनोरिया, ये क्या चीज़ें हैं और क्यों इनको इतना खास नाम दिया गया है, ये एक हेल्थ कंसर्न है एक्टिव वुमेन और गर्ल्स के लिए जो ड्रिवन है एक्सेलेंस स्पोर्ट्स करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना चाहती हैं उनके लिए एक हेल्थ कंसर्न होता है एक्टिव वुमेन और गर्ल्स के लिए। इसके अंदर तीन डिस्टिंक्ट और इंटर रिलेटेड कंडीशन होती है, यानी कि बिल्कुल अलग और तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, नाम है एनीमिया, एमेनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को मिला के हम बोलते हैं फीमेल एथलीट राइड, एनीमिया होता है, एमेनोरिया होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में लो बोन मास होता है, एनीमिया में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है, अभी एक एक करके देखते हैं। तो कौन अफेक्ट होता है, एनीवन मे बी अफेक्टेड बट फीमेल्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज विच एम्फसाइज लीननेस आर हाई एट हाई रिस्क, ठीक है। तो कोई भी इफेक्ट हो सकता है, किसी भी इफेक्ट हो सकता है, कोई वुमेन पे ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो फीमेल्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, जो लीननेस को एम्फसाइज करती हैं, यानी कि आपको बॉडी को फिट रखना है, लीन रखना है, तो उनको हाई रिस्क रहता है, वो हाई रिस्क पे रहते हैं, जैसे कि जिमनास्टिक्स हो गया, बैलेट, डाइविंग, फिगर स्केटिंग
और एरोबिक्स रनिंग, अगर ये सब एक्टिविटी करती हैं वुमेन तो वो हाई रिस्क पे होते हैं इन सब चीज़ों के। सिम्टम्स क्या होते हैं ट्राइड के? सिम्टम्स होते हैं ट्राइड के फैटीग, थकान हो जाती है, फ्रिक्वेंट इंजरीज होती हैं, बहुत लगातार चोटें लगती रहती हैं, लॉस ऑफ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस बहुत तेज़ी से कम होती है यानी कि स्टेमिना आपका गिरेगा, इरिटेबिलिटी होगी, आपको परेशानी होगी, हीलिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा इंजरीज का यानी कि आपको रिकवर होने में टाइम लगेगा, और सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये टर्म आप खुद ही जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद एनीमिया, इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर भी चाहिए सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन का, तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एनीमिया, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। एनीमिया में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, वो गिर जाता है एनीमिया के अंदर। फीमेल एथलीट्स एनीमिया ज़्यादातर फेस करती हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, रेगुलर मेंस्ट्रुअलोसिस की वजह से क्या होता है, जो आयरन नीड होती है फीमेल एथलीट्स की वो बढ़ जाती है, और अगर वो आयरन नहीं लेती है तो इस वजह से एनीमिया कॉज हो जाता है। दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर टू फुलफिल एडिशनल आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी बाई टेकिंग आयरन रिच फूड। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो सही मात्रा में आयरन रिक्वायरमेंट ले रही हैं बॉडी की आयरन रिच फूड लेके। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एनीमिया में। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, डिक्रीज बोन मटेरियल कॉन्टेंट होता है, यानी कि जो बोन मटेरियल कॉन्टेंट होता है ये डिक्रीज हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, और ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर होता है यानी कि आपके स्केलेटन पे इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके पोस्चर पे भी फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल। इससे क्या होता है, वुमेन एथलीट क्या होती है, हाई रिस्क पे होती है बोन फ्रैक्चर के, उनकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है, लो एस्ट्रोजन लेवल और लो कैल्शियम इंटेक की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है वुमेन एथलीट के अंदर, और कैल्शियम इनसफिशेंट है डाइट के अंदर, सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर, सही तरीके से खा पी नहीं रहे हैं, और गलत तरीके की हीटिंग हैबिट्स है, गलत चीज़ें खा रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए, और एमिनोरिया की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फिर ये एमिनोरिया क्या है, ये अब्सेंस होता है मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 मंथ्स और मोर। ठीक है, यानी कि 3 महीने और 3 महीने से ज़्यादा अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो ही नहीं रहा मेंस्ट्रुएशन, तो आपको क्या कहेंगे, एमिनोरिया डिसीज़ हो सकती है आपको, उसी को एमिनोरिया कहते हैं। प्राइमरी एमिनोरिया क्या होता है, डिलेड बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होता है, ठीक है, यानी कि उसकी शुरुआत में टाइम लगता है, और सेकेंडरी एमिनोरिया में स्टॉप हो जाता है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 मंथ्स और मोर के लिए, 3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होता है। कई फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एमिनोरिया में, हार्मोनल चेंजेस, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस और इंटेक ऑफ लेस कैलोरी। तो अगर आप हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, आपके हार्मोन में चेंज आ रहा है, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे आप, और लेस मतलब इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, और इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज और कैलोरीज कम ले रहे हो, तो इन वजह से एमिनोरिया हो सकता है। प्रिवेंटिंग द फीमेल एथलीट राइड, आप इन तीनों बीमारियों कैसे रोक सकते हो होने से, प्रेशर टू अचीव अनरियलिस्टिक लो बॉडी वेट शुड बी अवॉइडेड बाई कोचेज एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो आपको कम बॉडी वेट करना है, इसको अवॉइड करना चाहिए कोचेस को भी और पेरेंट्स को भी। ठीक है, आउट ऑफ कॉम्पिटिशन वेइंग्स शुड बी डिस्करेज। ठीक है, कॉम्पिटिशन के बाहर के जो वेइंग्स होती हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए फालतू में। रूल्स गवर्निंग स्पोर्ट्स शुड बी एग्जामिन एंड रूल्स एनकरेजिंग एक्सेसिव लीननेस शुड बी रिवाइज। ठीक है, तो रूल्स जो स्पोर्ट्स को गवर्न करते हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए, और रूल्स जो एनकरेज करते हैं एक्सेसिव लीननेस कि आपको बॉडी को ज़्यादा लीन रखना है, इसको रिवाइज करना चाहिए, यानी कि चेंज करना चाहिए। एथलीट्स और कोच को एनकरेज करना चाहिए कि वो देखिए वार्निंग साइंस को ईटिंग डिसऑर्डर्स के। ठीक है, यानी कि उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो चेक करते रहें कि ईटिंग डिसऑर्डर्स के कोई वार्निंग साइन है कि नहीं। इसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं वुमेन एथलीट के, तो जेंडर रोल ओरिएंटेशन होता है, कम्पिटिटिवनेस होती है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एस्टीम होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वुमेन एथलीट के। तो और भी होते हैं, सेल्फ इमेज, डिप्रेशन, एग्रेशन। ठीक है, और फिर सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के, वो ये होते हैं फैमिली इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में चिल्ड्रन के, यूजली प्रिसीडेड बाय पेरेंट्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कैसे होता है, बच्चों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है और ये यूजली किस वजह से होता है, पेरेंट्स इंटरेस्ट की वजह से।
ठीक है, अगर पेरेंट्स का स्ट्रेस होएगा स्पोर्ट्स में तो हो सकता है बच्चे में भी स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट आए, और ज़्यादातर जिन पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स में वही बच्चे कुछ ज़्यादा आगे कर पाते हैं। सोशलाइजिंग प्रोसेस एट होम और फॉर बोथ जेंडर्स इज डिफरेंट, ठीक है, दोनों का तरीका अलग होता है सोशलाइज करने का घर में, दोनों जेंडर के लिए अलग अलग होता है। लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कों को हर किसी से मिलने देते हैं जबकि लड़कियों को हर किसी से मिलने को अलाउड नहीं करते, ठीक है। स्कूल में इंपॉर्टेंट प्लेस होती है ताकि अपॉर्चुनिटीज मिले स्पोर्ट पार्टिसिपेशन को, ठीक है, एक बहुत खास ज़रूरी जगह होती है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लड़कों लड़कियों दोनों को ही ताकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। जो कोचेस होते हैं, पीयर्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, ये मेन ड्राइविंग फोर्स होते हैं। पीयर्स आपके साथ में जो दोस्त होते हैं बच्चों में, फ्रेंड्स होते हैं, कोचेस जो आपको सिखाते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, ये मेन ड्राइविंग फोर्स होते हैं। अगर ये आपको इनक्रेज करते रहते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है, फीमेल अगर इन्वॉल्व कर रही हैं तो उससे कल्चर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो है इंडिया में वो इनक्रेज करती हैं कि वुमेन घर पे रहें और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करें यानी उनकी देखभाल करें, तो अगर इस हिसाब से चलते रहें तो इंडिया का तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और गर्ल्स जो हैं वो अपने हिसाब से जो उनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद आइडियोलॉजी क्या है, तो आइडियोलॉजी वुमेन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की IOC जो था आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने क्या कहता, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ जेंडर रखा था ओलंपिक चार्टर में कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों एक समान रखना चाहिए। जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वह इनक्रेज करती है और प्रमोट करती है पार्टिसिपेशन को वुमेन में स्पोर्ट्स में और फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। क्यों करती है, ठीक है, क्योंकि अगर वही नहीं इनक्रेज करेगी तो फिर कौन ज्वाइन करेगा, ठीक है, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे आप कि ये सारे कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्पेरिटी है प्राइज मनी में, तो देख सकते हैं कि फुटबॉल प्रीमियर लीग में लड़कियाँ खेलती ही नहीं हैं और उस वजह से 24 मिलियन प्राइस तो उनका 24 मिलियन यूरोपियन डॉलर मैं आदमियों के लिए है और औरतों के लिए कुछ नहीं है, लड़कियों के लिए कोई प्राइस नहीं है, और जबकि फुटबॉल चैंप्स लीग में 8.3 मिलियन यूरो डॉलर प्राइस है लड़कों के लिए जबकि लड़कियों के लिए 1,99,000 यूरो डॉलर ही है सिर्फ, ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आप आ रहा है, तो ये सब आ रहा है क्योंकि जो आदमी और वो है जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, इस वजह से। तो पार्टिसिपेशन वुमेन की स्पोर्ट्स में असेंशियल किया जा रहा है, समझा जा रहा है, ज़रूरी समझा जा रहा है, जिससे हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं यानी कि उनको औरतों को और सशक्त बना सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन वुमेन की स्पोर्ट्स में उन्हें क्या करती हैं, एडवर्सरीज को फेस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, यानी कि वो मुश्किलों का सामना कर सकती हैं, गंभीर समस्याओं का, गंभीर परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है और वो और सेहतमंद और मजबूत बनती हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही वुमेन एंड स्पोर्ट्स के लिए चैप्टर में, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करो दोस्तों, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। I'm gonna go get some more.